उदयपुर की बात करते हैं, जहां पर एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और रोडवेज के वित्त प्रबंधक पर यह कार्रवाई हुई है। रिश्वत का दलाल बना बुकिंग क्लर्क टाइप। जी हां, उदयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 5,600 रुपए की रिश्वत लेते हुए क्लर्क को गिरफ्तार किया है, जबकि वित्त प्रबंधक फरार है। नीलामी की दुकानें रद्द नहीं करने पर यह रिश्वत ली थी। तो लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है और उदयपुर में रोडवेज के वित्त प्रबंधक पर यह कार्रवाई हुई है। हालांकि जो वित्त प्रबंधक है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस वित्त प्रबंधक ने क्लर्क के माफिक ये रिश्वत लेने की कोशिश की थी, लेकिन जो क्लर्क है वो धरा गया है। परिवादी रोहित उप राकेश मेनारिया ने एसीबी चौकी उदयपुर में हमारे एडिशनल एसपी साहब सुधीर जोशी साहब को एक रिपोर्ट पेश की थी। उसने बताया था कि उसकी पत्नी रेखा मेनारिया के नाम पे रोडवेज डिपो उदयपुर में एक दुकान अलॉट हुई थी, मगर वहाँ के जो अकाउंटेंट है मिस्टर चंद्र प्रकाश कचोरिया, वो उस दुकान को निरस्त करके दुकान कहीं और जगह उसको आवंटित कर रहे थे, जिसपे उसने उनसे संपर्क किया कि सर मेरी दुकान को आप निरस्त मत कीजिए, मुझे वापस दुकान वही दीजिए, जिसपे वो 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। हमने विधिवत रूप से इसका सत्यापन करवाया तो चंद्र प्रकाश जो प्रबंधक वित्त के पद पर कार्यरत है, उन्होंने ये राशि अपने जो बुकिंग क्लर्क है हीरा लाल लुहार उनको देने की